नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्ष और आप देख रहे हो प्रोएक्टिव टेक्निकल। और आज के वाले वीडियो एकदम खास होने वाला है, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के काफी सस्ते 5G स्मार्टफोन्स को लेकर के। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि 5G आने वाले दिनों के अंदर हमें काफी सस्ते प्राइस रेंज के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आज के दिन में अगर हम बात करते हैं सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन को लेकर के, तो मोटो G5G मोटोरोला की तरफ से एक स्मार्टफोन है जो कि हमें 20,000 पर, यानी कि 20,000 की प्राइसिंग पर देखने को मिलता है अगर हम उसे HDFC के बैंक ऑफर बैंक कार्ड की मदद से खरीदते हैं। बेसिकली वो 21,000 का फोन है और डिस्काउंट के थ्रू हम उसको 20,000 तक खरीद सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे में अगर हम बात करते हैं बाकी कंपनीज की, तो बाकी कंपनीज भी काफी जल्दी लेकर के आने वाली है इंडिया के अंदर अपने काफी सस्ते सस्ते स्मार्टफोन्स। और ऐसे के अंदर अगर आप 5-6 महीने का वेट कर सकते हो तो आपको 10,000 से कम प्राइस पर भी 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हमें जियो की तरफ से भी कंफर्मेशन देखने को मिली है 5G को लेकर के। यहाँ पर मुकेश अंबानी ने यह कंफर्म कर दिया है कि सेकंड क्वार्टर के अंदर 2021 के अंदर हम अपने 5G नेटवर्क्स को इंडिया के अंदर लॉन्च कर देंगे। तो ऐसे के अंदर अगर हमें जियो 5G देखने को मिलेगा तो जियो की तरफ से भी शायद एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, या फिर लाइफ की तरफ से 5G फोन देखने को मिल सकते हैं, या फिर जियो देखते हैं किसके साथ में क्या कुछ काम करता है। फिलहाल क्वालकॉम के साथ में शायद से कुछ काम चल रहा है जियो का, तो यहाँ पर 5G बैंड्स को लेकर के शायद से हमें कुछ काम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले 5G स्मार्टफोन्स को लेकर के। तो यहाँ पर सैमसंग की तरफ से हमें दो 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर। पहला हमें A22 5G देखने को मिलेगा और दूसरा हमें A32 5G देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं A22 5G को लेकर के। तो यहाँ पर A22 5G की हमें काफी सारी डिटेल्स देखने को मिल रही है, और उन्हीं डिटेल्स से हमें पता लगता है कि ये हमें एक सब 15K की कैटेगरी वाला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, यानी कि 15,000 से कम इसकी प्राइसिंग होने वाली है। और शायद से ये हमें 13,000 से 14,000 के बीच में कहीं प्राइसिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर डिटेल से कुछ प्रोसेसर के बारे में पता लगता है कि जो प्रोसेसर होने वाला है वो अपने एक्सिनोक्स के बजाय या फिर स्नैपड्रैगन के बजाय यहाँ पर मीडियाटेक का एक प्रोसेसर सैमसंग यूज में लेने वाला है। और यहाँ पर जो प्रोसेसर होने वाला है वो हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। ऐसे में ये स्मार्टफोन बन सकता है इंडिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन अगर सैमसंग ने पहले लॉन्च किया शाओमी और रियलमी जैसी कंपनीज से पहले। तो यहाँ पर ये बन सकता है इंडिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन। इसके अलावा A32 5G हमें थोड़ा सा महंगा देखने को मिल सकता है, ये 15,000 से 17,000 के बीच में कहीं वेरी करेंगे इसके प्राइजेस। तो अभी तक कंफर्म नहीं है इन्हीं की प्राइसिंग को लेकर के। काफी सारे टिप्सटर्स के थ्रू हमें ये डिटेल देखने को मिल रही है, और यही सैमसंग के आने वाले अपकमिंग 5G स्मार्टफोन्स हैं। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ।